हूं श्रद्धा चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं एसएमई पोस्ट लाइव। पेश है आज की खास एसएमई खबरें। राजस्थान सरकार ने एमएसएमईज को बढ़ावा देने व बाजार सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से साझा मंच उपलब्ध कराने की पहल की है। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री कलराज मिश्रा ने साउथ कोरिया से आए प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। दोनों देश प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, संयुक्त उद्यम और व्यापारिक गठजोड़ व साझा व्यापार के जरिए एसएमईज के बीच सहयोग को बढ़ाएंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व धाकड़ बल्लेबाज के श्रीकांत ने रूरल एरियाज के उद्यमियों की वकालत करते हुए कहा है कि उनको बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही इन्वेस्टर से आग्रह करते हुए कहा है कि वह इन्वेस्टमेंट के नवीन विचारों के साथ आगे आएं। जीएसटी से जुड़े विधेयक संसद में पास होने से सेंसेक्स और निफ्टी मजबूत होकर खुले। कारोबारियों का कहना है कि बिल के पास होने से बाजार में मजबूती आई है। योगी सरकार हर साल 40,000 एमएसएमई इकाइयों को स्थापित करेगी। सरकार ने आगामी 5 सालों में 70,00,000 रोजगार पैदा करने का लक्ष्य रखा है। टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़े सभी प्रमुख मुद्दों को लेकर 30 जून से 3 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी, जिसमें टेक्सटाइल मिनिस्टर स्मृति ईरानी, एमएसएमई मिनिस्टर कलराज मिश्र, पावर मिनिस्टर पीयूष गोयल आदि बड़े नेताओं से लेकर पॉलिसी मेकर शामिल होंगे। स्टेपअप 360 और एमएसएमई डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट द्वारा सपोर्टेड ब्रिक्स इंटरनेशनल फोरम ने साथ मिलकर इंटरनेशनल कॉन्क्लेव एंड वुमन एक्सीलेंस अवार्ड आयोजित किए। कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य ब्रिक्स नेशन की एमएसएमईज के इनोवेशन, टेक्नोलॉजीज, बिजनेस आदि को लेकर आपसी सहयोग को बढ़ाना था। केंद्र सरकार ने सभी स्मॉल सेविंग डिपॉजिट्स पर ब्याज दरों में 0.10% की कटौती की। कल से शुरू हो रहे नए फाइनेंशियल ईयर में स्मॉल सेविंग्स पर 0.10% कम ब्याज मिलेगा।